मेरा नाम सिद्दीक अहमद अंसारी। सर जानना चाहेंगे क्या प्रोग्राम था आज का, किस वजह से आप मिलने आए थे अभिषेक साहब से? प्रोग्राम हमारा ये था कि ये सोच विचारधारा जो है भाजपा की, इसके खिलाफ भीम आर्मी एकता मिशन जो हमारा काम कर रहा है वो ये है कि एक शख्स हमारे अहमदाबाद में, देखिए उनकी मनुवादी सोच देखिए कि उनका क्या कहना है कि रावण बोल रहा है हम इसे, यानी हमारे चंद्रशेखर जी के लिए वो रावण बोल रहा है और हम इसको बिना दशहरा की फूंक देंगे। ये इनकी मनुवादी सोच, इसके खिलाफ़ हमारी विचारधारा है और हम इनके खिलाफ़ अपनी मुहिम शुरू की हुई है। तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि इनको तुरंत ही अरेस्ट किया जाए और इनको जेल भेजा जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। अरे ये जानना चाहेंगे आज के विषय में ज्ञापन दिया गया है। महोदय हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, एक भाजपा कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र अहमदाबादी, जो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है कि रावण बोल रहा है कि अयोध्या मंदिर नहीं बनने देंगे और उसे पता नहीं है यूपी में योगी है बिन दशहरे फूंक देंगे। इस पोस्ट पर हमारे एक भाजपा कार्यकर्ता हैं सूरज छात्र भाजपा नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि चमार समाज जो है सुअर की तरह होते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी सुअर से ही पैदा है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। SDM साहब को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन माध्यम से हमने मुकदमा लिखाने का निवेदन किया है हुजूर से। क्या आश्वासन दिया गया? SDM साहब ने बताया है कि हम तत्काल जो इस पर कार्रवाई करेंगे। व्यक्ति की पड़ताल की कहाँ का रहने वाला है जी? जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है उसका पता मिला कहाँ का है? उसका क्लियर पता नहीं है। ये सूरज भाजपा नेता है और ये भतपुरा क्षेत्र से आता है, पूर्व में BDC का प्रत्याशी भी रहा है। जी नाम जानना चाहेंगे? सैयद आज़म अली जी। क्या मामला है आज का? आज का मामला ये है, अभी दो दिन पहले सोशल मीडिया यानी फेसबुक पे एक भाजपा कार्यकर्ता पोस्ट डालते हैं, कहते हैं ये रावण जो राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहा है इसको हम बिन दशहरा के फूंक देंगे। सबसे पहले तो इसमें मनुवादी सोच है और इनकी जो भाषा है बोलने का तरीका ही गलत है। उसके बाद एक और भाजपा नेता हैं जो छात्र संघ भी रह चुके हैं पीलीभीत उपाधि महाविद्यालय से, जैसा कि हमें नॉलेज है, उनका नाम सूरज है। वो बोलते हैं ये जो दलित हैं ये वास्तव में ही दलित होते हैं, ये तुष्ट होते हैं और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक अति गंदे जानवर से संज्ञा दी गई है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसीलिए हम SDM महोदय से मिलने आए थे और हमने SDM महोदय को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, धन्यवाद।